हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक टिप्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल। आज है 17 मार्च 2024 और देखिए 17 मार्च से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जिनसे आप सभी के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए, पिछले कई दिनों से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, रीज़न ये था कि मेरी शादी थी, जिसलिए शादी में बहुत सारा वर्क रहता है, इसलिए डिस्टर्बेंस हुआ है थोड़ा, जिसके लिए माफ़ करिएगा। और इन फ्यूचर आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। आपको डेली दो क्लासेस मिलने वाली हैं, जिसमें करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके की भी एक क्लास आपको डेली मिलने वाली है, ठीक है। जितना आपका छूटा हुआ पोर्शन है करंट अफेयर का, वो भी आपको वीडियो मिल जाएगा। आप प्रीवियस क्लास का रिविज़न कर लेते हैं। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन ईरान में किया गया है। विश्व चिंतन दिवस यह मनाया गया है 22 फरवरी को। सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार समक्का सरक्का मेदारा जतारा यह तेलंगाना में मनाया गया है। यूरोपीय संघ ने लाल सागर क्षेत्र में हूती हमलों को रोकने के लिए ऑपरेशन स्पाइट्स को शुरू किया है। अभी देखिए, फली एस नरीमन का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये वकील थे। 33वां जीटी बिटला पुरस्कार यह जीता है आदि सिंह डे ने। मुख्यमंत्री अभी जो उत्तराखंड के हैं, इन्होंने स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने हेतु हिमालयन बास्केट को लॉन्च किया है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण ये चिनाब नदी पर किया गया है। वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन CMS के COP14 बैठक का आयोजन ये उज्बेकिस्तान में किया गया है। भारतीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी लिमिटेड इरिडा अभी इसने पंजाब राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, रणजी ट्रॉफी 2024 का जो खिताब है ये जीता है मुंबई ने। अभी मुंबई ने विदर्भ को 169 रनों से हरा कर यह खिताब जीता है। और आपसे पूछा जा सकता है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो यह 15 मार्च को मनाया गया है। देखिए, जो उपभोक्ता होते हैं इनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 2024 में जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है, इसकी थीम आपको याद रखना है। थीम है उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार AI, फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल AI फॉर कंज्यूमर। ये थीम है 2024 के वर्ल्ड कंज्यूमर डे की। और देखिए, मार्च मंथ में अब तक जितने महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उसमें शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस ये 1 मार्च को मनाया गया है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस यह मनाया गया है। 4 मार्च को मनाया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया गया है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। 10 मार्च को मनाया गया है CISF का स्थापना दिवस। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस के रूप में भी मनाया गया है। 11 मार्च को वर्ल्ड प्लम्बिंग डे के रूप में मनाया गया है। 12 मार्च को मॉरिशस दिवस मनाया गया है। 13 मार्च को धूमपान निषेध दिवस के रूप में मनाया गया है। 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस और विश्व मानव विज्ञान दिवस यह 2 दिवस मनाए गए हैं। तो ये अब तक महत्वपूर्ण दिवस हैं जो मनाए गए हैं मार्च मंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा महाराष्ट्र राज्य के द्वारा की गई है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस को बनाया जाएगा, ठीक। और देखिए भी, जो गुजरात है यहाँ पर मोदी जी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है, ये भी महत्वपूर्ण है, कोचरब आश्रम, ठीक। बिहार में बापू टावर बनाया गया है, भारत का सबसे बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद मुस्तफ़ा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये भी फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। इमेज यहाँ पर आप इनकी देख सकते हैं। अच्छा, देखिए जो तुलोवू है, अभी यहाँ की नई प्रधानमंत्री बनी है फिलेरी टियो। फिलेरी टियो ये
बन गई हैं। तुवालू की नई प्रधानमंत्री कजाकिस्तान की अभी ओल्जास वेक्टेनेव, ओल्जास वेक्टेनेव ये कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। बांग्लादेश की कौन बनी है? शेख हसीना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार के द्वारा बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क बीज किट प्रदान किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान राज्य के द्वारा बाजरा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क बीज किट को प्रदान किया जाएगा। अभी देखिए, कुछ दिनों पहले ही मैंने आप सभी को पढ़ाया है कि मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना, रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना ये शुरू की गई थी एमपी के द्वारा, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं, राजस्थान राज्य का राजधानी जयपुर है। इस राज्य का गठन हुआ है 30 मार्च 1949 को। मुख्यमंत्री हैं श्री भजन लाल शर्मा, राज्यपाल हैं श्री कलराज मिश्र। लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 200 है, आधिकारिक भाषा हिंदी और जिलों की संख्या है 53। राजस्थान राज्य के जो राष्ट्रीय उद्यान है केवला देव, रणथंभौर सरिस्का डेजर्ट और मुकंदरा हिल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, तमिलनाडु। जो सार्क के शरीर के अंग हैं इनके अवैध व्यापार में जो तमिलनाडु राज्य है ये टॉप पे रहा है। नेक्स्ट, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, उपर्युक्त दोनों, यानी कि ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा, इन दोनों लोगों ने जीता है चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024। और देखिए, ये जो चमेली देवी जैन पुरस्कार है ये द मीडिया फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बी साईराम। ये भी NCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इमेज यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, जो श्री AS राजीव हैं इनको अभी CVC में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, और अनुराग अग्रवाल ये संसद सुरक्षा का प्रमुख के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। आशा लकड़ा को अभी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के सदस्य के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, FSSAI द्वारा भारत में कितने जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, 100। भारत की 100 जेलों को FSSAI द्वारा ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है। अच्छा, जो FSSAI है ये क्या है? तो जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनके लिए जो क्वालिटी है वो तय करता है FSSAI, और इसकी फुल फॉर्म आप सभी से एग्जाम में पूछी जाती है। तो फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सादी मोहम्मद का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो ये गायक थे। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक, इस प्रश्न को मैंने आप सभी के लिए आज होमवर्क दिया था। भारतीय सेना ने किस राज्य में महिला कौशल विकास पहल शुरू की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, मणिपुर। मणिपुर राज्य में भारतीय सेना के द्वारा महिला कौशल विकास पहल शुरू की गई है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी होनोर से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का आंसर लिखना है आप सभी को कमेंट सेक्शन में। सो देखिए, ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।